आज हम बताने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में। एमएस पेंट में हम कैसे ड्राइंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट में हम बताएंगे एमएस पेंट में ड्राइंग करने के लिए, जैसे कि हम कैसे अम्ब्रेला बना सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एमएस पेंट को ओपन करना होगा। उसको ओपन करने के लिए विंडोज कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर दबाना है। उसके बाद लिखना है इसमें लिखेंगे MSPAINT पेन, एंटर करेंगे MS पेंट ओपन होगा। देखिए ओपन हो चुका है। और दूसरा भी है एक तरीका, तो इसको कट करते हैं। यहाँ से विंडो आर कीजिएगा, फिर से इसमें लिखिए P B R U S H P ब्रश भी लिखेंगे तो ओपन हो जाए। पी ब्रश ओपन लिखने के बाद ओपन कर लीजिएगा MS पेंट को। उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ से छोटा कर लेना है 50 करके, यहाँ से बड़ा कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। तब उसके बाद क्या करना है, पूरे बड़ा रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ओवल्स ले लेना है, ओवल उसके जैसे ड्रैग कर लेना है, ठीक है। ड्रैग करने के बाद सेलेक्टर टूल लेके इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर देना, सेलेक्ट करके, ठीक है। आधा यानी कि आधा सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करना। उसके बाद कर्व टूल ले लेना है, उसके बाद यहाँ पे लाना है, शिफ्ट दबा करना है, कीवर्ड शिफ्ट दबाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बीच में ऊपर कर देना, बीच से थोड़ा। अब उसके बाद दूसरा टूल सेलेक्ट करके तब इसको सेलेक्ट करना, फिर से ऐसे करते हुए करना, गलत हो गया, डिलीट बटन से या कंट्रोल जेड कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, ठीक है। देखिए आप सब सोचते होंगे कि यहाँ दूसरे टूल पे का क्लिक करते हैं, इस पे फिर से कहीं कर, अगर वैसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसीलिए हम दूसरा टूल लेते हैं, तब उसको फिर से करते हैं, समझ गए, ठीक है। आप भी ऐसे कीजिएगा, स्थिर से बनाइए, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करना है, ये त्रिभुज का सिंबल लेके यहाँ पे लगा देना है, त्रिभुज कुछ इस तरह का, ठीक है। उसके बाद फिर से कर्व टूल लेके यहाँ से ड्रॉ करना, अब शिफ्ट नहीं दबाना, बिना शिफ्ट का करना, समझिए। इस बीच में ला के लेफ्ट बटन क्लिक करके ऐसे कर लेना, ठीक है। फिर से दूसरा टूल यहाँ से यहाँ बीच में ला के खाली लेफ्ट बटन क्लिक करके, ठीक है, ऐसे करके बनाना है। जैसे जैसे हम कर रहे हैं आप भी वैसे वैसे कीजिएगा, सेम टू सेम। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या लेना है, रेक्टेंगल लेके इसके बीचों बीच एक लकीर दे देना, ठीक है। एडजस्ट कर लीजिएगा एरोकी से लेफ्ट राइट करके, ठीक है। उसके बाद सेलेक्टेड टूल फिर से लेना है, इसको थोड़ा सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर देना। फिर से कर्व टूल लेके यहाँ पे शिफ्ट जाके ड्रैग करना है, ठीक है।
एक बार यहाँ से ऐसे करना है, सीधा पहले कर लेना है, फिर उसके आदेश सही से कीजिएगा, फिर से डिलीट करके हम कर लें, आप भी कर दूँगा, बढ़िया लगे देखने में। ऐसा ही बनना चाहिए, अभी बना लीजिएगा, फिर सिर्फ दुआ का आगे की थोड़ा और किए, उसके बाद यहाँ से यस, उसके बाद यहाँ से फिर यही टूल लगा के बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद ये देखिए बाल्टी की तरह दिख रहा है, फिल विथ कलर टूल, इसको सिलेक्ट कीजिए, इससे कलर इसमें फिल कर सकते हैं, हम कलर फिल कर लेते हैं अम्ब्रेला में, आपको जो पसंद है यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, ऐसे डाल देने के बाद ऊपर में भी एकदम डाल देते हैं कलर, उसके बाद सेलेक्टर टूल लेके देखिए, जिधर मन करना है उधर कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट सेलेक्ट करके, समझ गए। आज के इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।